हेलो स्टूडेंट्स आवर टुडेज टॉपिक इज सर्कुलेट्री सिस्टम ऑफ स्कॉलियोडॉन तो सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम में हम ब्लड के बारे में जानेंगे स्कॉलियोडॉन का ब्लड कैसा होता है सो द ब्लड ऑफ स्कॉलियोडॉन इज रेड कलर्ड एंड इट हैज़ प्लाज्मा एंड कार्पस सो प्लाज्मा इज कलरलेस लिक्विड Whereas the carpuses are uh, having two things. That is, first one is erythrocytes or red blood carpuses. Uh, it is nucleated and having hemoglobin. Second one is leukocytes. That is colorless and it is amoeboid. means. They don't have any shapes, and these are the phagocytic cells. So leukocytes are phagocytic. The blood of scolodon has a specificity of retaining excessive amount of urea, that is near about two point two five percent in plasma. So. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द एट्रियल सिस्टम सो एट्रियल सिस्टम इज़ एक्चुअली ऑक्सीजिनेटेड ब्लड फ्रॉम गिल टू बॉडी पार्ट्स सो एट्रियल सिस्टम में जितने भी आर्ट्रीज होते हैं उनका काम क्या होता है ऑक्सीजिनेटेड ब्लड को गिल से लेकर के वेरियस बॉडी पार्ट्स में पहुँचाने का काम करता है ये एट्रियल सिस्टम so it has uh, following uh, types of arteries first is afferent branchial arteries that is of five pairs and second efferent uh, branchial arteries so these efferent branchial arteries are uh, have the role for the oxygenated blood collected from the gills

डिफरेंट ब्रांड के आर्टरी जो लास्ट वाली होती है वो हाफ लूप होती है कंप्लीट नहीं होती है ये आपको याद रखना होगा थर्ड इज आर्टरीज ऑफ द हेड रीजन एंड फोर्थ वन इज डोर्सोटा एंड इट्स ब्रांचेस नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द वीनस सिस्टम सो इट हैज Anterior cardinal system, posterior cardinal system, or renal portal system. So, posterior cardinal system, also known as renal portal system. Renal means something that is related to kidney. Okay. Then, next, hepatic portal system. Here, vein collectively. Uh, veins uh, collecting the blood from alimentary canal and related glands so hepatic means liver so hepatic portal system last one is ventral veins or ventral aorta okay so here in venous system deoxygenated blood from different parts रिटर्न टू हार्ट बाई व तो आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या याद रखना है कि इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू सिस्टम्स फर्स्ट वॉज आर्टेरियल सिस्टम एंड दिस आर्टेरियल सिस्टम इज़ फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल टू बॉडी पार्ट्स एंड सेकेंड वन सेकेंड वन इज़ वीनस सिस्टम That is from the various parts of the body, deoxygenated blood, uh, returned to the heart by veins. Now, first of all, we will know about the heart. So, heart of scoliodon. It is a muscular tube above the pectoral girdle. और बिलो यू कैन से बिलो द फैरेंग ऑल्सो ओके सो इट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब अबव द पेक्टोरल गर्डल इनक्लोज इन अस्पेसियस पेरी कार्डियल कैविटी हर्ट को हम वीनस हर्ट भी कहते हैं जैसा कि आपको मैंने इसके जस्ट पहले बताया वीनस सिस्टम के बारे में कि डी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड जो है वो बहुत सारी बॉडी के जितने भी वेरियस पार्ट्स होते हैं वहाँ से वापिस हार्ट को जाता है ठीक है तो एक्चुअली इसमें जो सर्कुलेशन होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है दैट इज़ वाई इसको वीनस हर्ट या फिर ब्रैंकियल हर्ट भी कहते हैं ब्रैंकियल हर्ट क्यों क्योंकि ब्रैंकियल रीजन में गिल्स प्रेजेंट होते हैं और गिल्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी को जाता है सो so, आइदर वीनस हर्ट और रैंकियल हर्ट दोनों में से कोई भी हर्ट इसको बोल सकते हैं सो so, आप फिगर पे आ जाइए आप uh, आपको रेड कलर का दिख रहा होगा सबसे पहले नंबर पे जो हार्ट का फिगर है सो रेड कलर की जो कवरिंग है दैट इज द पेरिकार्डियम ओके देन आफ्टर पेरिकार्डियम कार्डियम दैट इज द पेरिकार्डियल कैविटी ओके okay? और उसके अंदर में आपको हार्ट नज़र आ रहा है सो so, हार्ट में आप ऊपर से हम नीचे की ओर को आते हैं ओके okay? तो सबसे ऊपर देखिए वेंट्रल एटा है वेंट्रल एटा से कनेक्टेड होता है कोनस आरटीरियोस एंड दिस कोनस आरटेरियोस हैव अदर पार्ट्स दैट इज द डॉर्सल साइड से अगर हम देखेंगे तो हमें एट्रियम नज़र आएगा उसका इरेगुलर शेप या रफली ट्राइंगुलर शेप आप कह सकते हो एट्रियम एंड देन साइनस विनोसस सो साइनस विनोसस यानी कि एट्रियम की जो ओपनिंग होती है साइनो सॉरी साइनस विनोसस की जो ओपनिंग होती है साइनो ऑरिकुलर अपर्चर के थ्रू एट्रियम में ओपन होती है ओके सो so, एट्रियम के ठीक नीचे आपको दिख ही रहा है साइनस विनोसस एंड सबसे लास्ट में बिल्कुल नीचे की तरफ आपको क्या दिख रहा है ट्राइंगुलर शेप में कोनिकल वेंट्रिकल ओके सो so, ग्रीन कलर का एट्रियम एंड ब्लैक कलर में कोनिकल शेप ने बिल्कुल नीचे की तरफ को आपको वेंट्रिकल नज़र आ रहा है सो दिस इज़ द डोर्सल व्यू ऑफ हार्ट अब हम आते हैं वेंट्रल व्यू पे लेकिन ये वेंट्रल व्यू जो है थोड़ा इनलास्ड भी है और साथ ही साथ इसका लॉन्गेट्यूडिनल सेक्शन है ताकि हम अंदर हार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें उसको भी क्लियरली समझ सकें देख सकें सो so, आप देखिए नीचे की तरफ हार्ट अब हम नीचे से शुरू कर रहे हैं ओके नीचे से ऊपर की ओर को जाएंगे सो so, कोनिकल फॉर्म में आपको जो आ, वेंट्रिकल दिख रहा है सो so, वेंट्रिकल के अंदर की तरफ ढेर सारे कॉर्डी टेंडिनी नज़र आ रहे हैं ओके सो इन्हींडी टेंडिनी के बीच में एवी अपर्चर रेड कलर का आ, आपको एवी अपर्चर यानी कि ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर नज़र आ रहा है और ये ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर जो है एक्चुअली इट इज द ओपनिंग ऑफ द ओपनिंग ऑफ द वेरियस सेमी ल्यूनर वॉल्स ओके सो एट्रियम आपको कंप्लीट नहीं दिख रहा है क्योंकि डॉल्स साइड में एट्रियम होता है है ना और वेंट्रल साइड में वेंट्रिकल होता है तो वेंट्रिकल अच्छे से नजर आ रहा है अब वेंट्रिकल के ठीक ऊपर आप जाइए तो देखिए कि आपको कोनस आर्टेरियोसस दिख रहा है है ना तो यहाँ पर वेंट्रल साइड में साइनस विनोसस क्लियर नहीं है ओके क्योंकि वो डोर्सल साइड से ही दिखेगा सो अब कोनस आर्टेरियोसस में आपको सिक्स सेमी ल्यूनर वॉल्व्स नजर आ रहे हैं सो दी सिक्स सेमिल्यूनर वाल्स वाल्व्स आर प्रजेंट इन टू रोज सो वन रोज में ऊपर के थ्री हैं और नीचे के सेकेंड रोज में बाकी के तीन सेमिल्यूनर walls present हैं इसके अलावा आप देख सकते हो कि कोनस आर्टेरियोसिस के ऊपर की तरफ और हम जाएंगे तो हमें वेंट्रल एटा नज़र आ रहा है और इस वेंट्रल एटा से आप देखिए कि फोर्थ एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी नज़र आ रही है और कोनस आर्टेरियोसिस की साइड में फिफ्थ एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी नज़र आ रही है सो दिस फिफ्थ एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी हैज़ अ कॉमन ओपनिंग विच कैन बी सीन इन द कोनस

थिन वॉल्ड होता है और इलास्टिक होता है ताकि वो रिसीव कर रहा है अगर ब्लड को तो वो उसका सर्फस एरिया और इंक्रीज कर सके दैट इज़ वाई इट्स वॉल इज़ थिन एंड इट इज़ इलास्टिक एंड इट इज़ डिवाइडेड इंटू एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट एंटीरियरली इट हैज़ एन आर्ट एट्रियम एंड पोस्टीरियरली इट हैज़ एन साइनस विनोस अब देखिए ये जो साइनस विनोसस है ये एट्रियम में ओपन होता है जो कि उधर फिगर में भी हमने आपको बताया था सो साइनस विनोसस में ओपन टू द एट्रियम विद द हेल्प ऑफ साइनो ऑरिकुलर अपर्चर सो द साइनस विनोसस इज इलोंगेटेड चैम्बर नाउ सेकेंड पार्ट इज द फॉरवर्डिंग पार्ट फर्स्ट पार्ट पार्ट क्या था रिसीविंग पार्ट था ब्लड रिसीव कर रहा था हार्ट और सेकेंड पार्ट क्या है फॉरवर्डिंग पार्ट यानी कि हार्ट से वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में आ, आ, ये सॉरी ये ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है सो फॉरवर्डिंग पार्ट इज़ थिक वॉल्ड एंड मस्कुलर ये बहुत मस्कुलर होता है और थिक वॉल्ड होता है इसकी वॉल जो है वो मोटी होती है and it consists of anterior and posterior both parts so anterior part may hoga conus arteriosus which is a wide tube uh, to uh, ventricle and auricle okay posterior part is ventricle which produces uh, कोनस नहीं कॉडी टेंडिनी सो so, उधर फिगर में भी आपने आपको हमने वेंट्रिकल के अंदर ढेर सारे कॉडी टेंडिनी दिखाए थे ओके okay? अब यहाँ पर देखिए ये जो वेंट्रिकल है वेंट्रिकल आ, में मतलब एट्रियम की ओपनिंग जो है वो वेंट्रिकल में होती है विद द हेल्प ऑफ ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर ओके नाउ कम टू द थर्ड

पंप कर दिए जाते हैं हार्ट के द्वारा फॉर द एरेशन क्योंकि गिल की साइड में वाटर आएगा एंटर करेगा जैसा कि हमने रेस्पिरेशन में आपको बताया था कि माउथ ओपन होता है एंड बकल कैविटी और फैरिक्स पूरी की पूरी फिल हो जाती है ना सो इन दैट वे गिल बाथ्स तो एज सच ये जो ब्लड होता है नॉन एरेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये गिल्स की ओर को जाता है और वहाँ पर ऑक्सीजनेशन के लिए गिल के टिप तक पहुँच जाता है ओके सो बट इट डज़ नॉट रिटर्न टू हर्ट सो गिल से डायरेक्ट हर्ट को नहीं जाता है गिल से वापस से वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक ये ब्लड जाता है देन बॉडी uh, से वापस से जब नॉन एरेटेड होता है यानी कि यूटिलाइजेशन हो जाता है ऑक्सीजन का देन वेरियस पार्ट्स से वापस से हार्ट की ओर को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाता है सॉरी <coughs> 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 <Sorry. coughs> तो इस तरह से आप देख सकते हो कि फाइनली आफ्टरवर्ड्स पहले हम इस कम इस पॉइंट को फिर से कंप्लीट कर देते हैं थर्ड पॉइंट को हर्ट कंटेन्स ओनली द नॉन एरेटेड ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स एंड पम्प्स टू द गिल फॉर एरेशन बट डज नॉट रिटर्न टू हार्ट गोज टू अदर ऑर्गन्स ओके नैन फाइनली मतलब आफ्टरवर्ड्स वर्ड्स वीनस ब्लड वीनस ब्लड किसको बोलते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं या नॉन एरेटेड ब्लड होते उसको हम वीनस ब्लड बोलते हैं सो आफ्टर वर्ड्स वीनस ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स देन अगेन कलेक्टेड टू हार्ट। सो ब्लड सर्कुलेशन इज यूनी सर्किट ओके यूनी डायरेक्शनल और यूनी सर्किट ओके अब आप इस फिगर में देखो दिस इज द एस सच आप देखिए आर्टरीज हैं दोनों में ही दोनों ही आर्टरीज हैं यानी कि आपको ए फिगर जो दिख रहा है दैट इज़ द एफरेंट ब्रेंक्यल आर्टरी एंड बी में आपको क्या दिख रहा है ईफरेंट ईफरेंट आर्टरीज या ईफरेंट फ्रेंड आर्टरीज तो ईफरेंट को मैंने आपको बात बता दिया था ऑक्सीजनेटेड ब्लड से यहाँ पे मतलब है ठीक है सो आप देखिए कि ढेर सारे गिल्स आपको नजर आ रहे हैं पांच गिल्स पेयर्स में गिल्स होते हैं सो so, आप लेफ्ट साइड में देखिए गिल्स डॉटेड फॉर्म में नजर आ रहे हैं और उन दो मतलब दो गिल्स के गिल लेफ्ट के बीच में आ, एक आपका एफरेट ब्रैंकअल आर्टरी जा रही है ठीक है सो टोटल मिला के देखिए तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव फाइव पेयर्स ऑफ इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरीज आर देयर लेकिन जो फर्स्ट वाला होता है वो बाइफर्केटेड होता है है ना तो कायदे से देखा जाए तो फर्स्ट बाइफर्केशन हो जाता है और बाकी के तीन और सो टोटल फाइव पेयर्स हो गए दोनों साइड में आ, इसके अलावा आप देखिए कुछ इनोमिनेट आर्टरीज uh, हैं ऊपर की तरफ नज़र आ रही हैं सो so, आप ये देखो आपको इसमें ये समझना है कि एफरेंट और ईफरेंट ये दोनों लेटरल साइड में आकर के आपस में मिल जा रहे हैं क्योंकि गिल दोनों ही लेटरल साइड में इधर भी गिल प्रेजेंट है और इधर भी लेटरल साइड में गिल प्रेजेंट है और दोनों ही तरफ एफरेंट ड्रैंकल आर्टरीज भी जा रही है गिल को और ईफरेड ब्रैंक्यल आर्टरीज भी गिल की ओर को जा रही हैं बस फर्क इतना है कि जो ईफरन ब्रैंकियल आर्टरीज होती है वो पूरा लूप के फॉर्म में होता है केवल लास्ट वाला इनकम्प्लीट लूप होता है तो आप देखिए फिगर बी राइट साइड में इसमें आप देखिए कि सबसे पहले जो डोरसल एटा है उस डोरसल एटा से पहले आ, एपी पी ओरिजिनेट हो रहे हैं ठीक है तो वन टू थ्री फोर है ना चार एपी पी आर्टरीज ओरिजिनेट हो रही हैं ओके देन आगे जा कर के ये एपी पी आर्टरीज जो है लूप के फॉर्म में जो दिख रही हैं उन लूप्स को हम कैसे काउंट करेंगे लूप का जो फर्स्ट ऊपर वाला हिस्सा होगा फर्स्ट ईफ्रेंट ब्रैंकअल आर्टरी उसके नीचे वाला उसी लूप का दूसरा पार्ट जो होगा वो सेकेंड ई ईफ्रेंड आर्टरी आर्ट्री कहलाएगा इस तरह से चार लूप्स कंप्लीट हैं तो उनको हम एट पेयर्स ऑफ कंप्लीट लूप के फॉर्म में ई फ्रेंड आर्टरीज आर्ट्रीज बोलेंगे जबकि लास्ट वाला इनकम्प्लीट होता है यानी कि केवल हाफ लूप होता है सो तो टोटल इस तरह से मिला के नाइन पेयर्स ऑफ ई फ्रेंड ब्रैंक्यल आर्ट्रीज हो गए नाउ इसके बाद आपको एक और चीज़ ध्यान देनी है कि ईफ्रेंड ब्रैंकअल आर्टरीज जो है पहले एपी पी ब्रेंकल्स से आगे जाके ओरिजिनेट हो रहे हैं और ये एपी पी ब्रेंकल्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं डॉर्सल डॉर्सलेटा से तो ईफरेंट ब्रैंकअल आर्टरीज में मेन ब्रांच क्या होती है डॉर्सल डोर्सलेटा और जबकि एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज में जो मेन ब्रांच होती है जिससे ये ओरिजिनेट कर रहे हैं दैट इज द वेंट्रल एओटा और वेंट्रल एटा हमने आपको हार्ट के ऊपर बताया था है ना कि हार्ट है मतलब वेंट्रिकल है देन वेंट्रिकल के ऊपर साइनस विनोसस साइनस विनोसस के ऊपर एट्रियम एट्रियम के ऊपर कोनस आर्टेरियोसस होता है और वो आगे कंटिन्यू कर जाता है वेंट्रल में। तो यहां पर एट्रियम से वो वोस आर्टेस वाला पार्ट छुपा हुआ है ठीक है क्योंकि ये है so, आपको की मेन ब्रांच वेंट्रल एओ ध्यान रखना है और ईफ्रेंट की मेन ब्रांच डॉर्सल एओटा नाउ कम टू द नेक्स्ट एट्रियल सिस्टम हो गया अब हम सेकेंड सिस्टम पे सर्कुलेटरी सिस्टम पे आते हैं दैट इज द वीनस सिस्टम सो वीनस ब्लड फ्रॉम एंटायर बॉडी इज रिटर्न टू हार्ट बाई द वेंस तो वेंस होते हैं दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज वीनस सिस्टम ओके सो दीज वैव थिन एंड फ्रिक्वेंटली हैव वॉल्व टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड तो जितने भी वेंस होते हैं सब में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं और ये वॉल्स क्या करते हैं कि बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं ओके okay? सो so, कभी भी उल्टी तरफ को या बैकवर्ड फ्लो नहीं होता है ब्लड का यूनि सर्किट ओके मैनी वेंस विदाउट डेफिनेट वॉल्स फ्रॉम वाइट स्पेसिस आर कॉल्ड साइनसेस तो जो आ, बहुत सारे वेंस काफ़ी वाइड स्पेसेस के फॉर्म में होते हैं उनको हम साइनसेस कहते हैं एंड दिस सिस्टम और वीनस सिस्टम डिवाइडेड इन फॉलोइंग साइनसेस तो ये कौन कौन से साइनसेस हैं देखिए पहला एंटीरियर कार्डिनल सिस्टम सेकेंड इज पोस्टीरियर कार्डिनल सिस्टम सो इस पोस्ट पोस्टीरियर कार्डिनल सिस्टम को हम रीनल पोर्टल सिस्टम भी कहते हैं यानि किडनी के आसपास का सिस्टम ओके okay? जितनी भी वेंस होंगी उसको हम बोलेंगे रीनल पोर्टल सिस्टम देन हिपैटिक पोर्टल सिस्टम यानी कि लीवर के आस पास वाला पूरा पूरी जितनी वेंस होंगे दैट में भी नोन एज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम देन फोर्थ नंबर पे है लेटरल एब्डोमिनल व लेटरल एब्डोमिनल वेन्स के बाद लास्ट में फाइनली फिफ्थ नंबर पे है क्यूटेनियस सिस्टम सो ये सारे पांचों तरह के सिस्टम्स मिल करके एंटीरियर कार्डिनल पोस्टीरियर कार्डिनल हिपैटिक पोर्टल लेटरल एब्डोमिनल एंड आपका क्यूटेनियस सिस्टम ये सब मिल कर के वीनस सिस्टम बना रहे हैं अब देखिए क्यूटेनियस सिस्टम में क्या क्या है डॉर्सल क्यूटेनियस वेन वेंट्रल क्यूटेनियस वेन लेटरल क्यूटेनियस वेन और ये जो लेटरल क्यूटेनियस वेन्स होते है थी हैं दीज आर बीनीथ द लेटरल लाइन कैनॉल तो फिशेस में लेटरल लाइन कैनाल होता है लेटरल लाइन सिस्टम होता है स्कॉलिडॉन में भी होता है सो उसी के पास में ये लेटरल क्यूटेनियस वेन्स प्रेजेंट होते हैं एंड क्या है तो so so आप इस फिगर में देख सकते हो वीनस सिस्टम दिस इज द फिगर ऑफ वीनस सिस्टम तो इसको हम इनलार्ज करके पहले हम ऊपर वाले सिस्टम पे आते हैं सबसे पहले सो so आप यहाँ देखो ऊपर की तरफ में आपका एंटीरियर कार्डिनल सिस्टम और कार्डिनल रीजन्स हैं सो तो एंटीरियर कार्डिनल रीजन्स में क्या क्या आ जा रहा है देखिए ये इंटरऑर्बिटल साइनस बीच में एच शेप में आपको दिख रहा है ठीक है तो एच का जो हॉरिजोंटल हौ, हौ, एच का जो हॉरिजोनटल पोर्शन होता है दैट इज़ द इंटर ऑर्बिटल साइनस और इसके पास में आपको ऊपर की तरफ नेजल साइनस नज़र आ रहा है उसके नीचे है ऑर्बिटल साइनस देन उसके बाद और नीचे आप आओगे तो आपको वेंट्रल लेओटा नज़र आ रहा है हमने बोला था ना कि हार्ट हार्ट नीचे की ओर को होता है लेकिन उसके ऊपर वेंट्रलेटा होता है और उस वेंट्रलेटा से ढेर सारे एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज यानी फाइव पेयर्स ऑफ एफरेंट ब्रैंकअल आर्टरीज ओरिजिनेट होते हैं तो ये एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज यहाँ नहीं दिख रहा है क्योंकि ये वीनस सिस्टम आपको यहाँ पे दिखाना है ओके तो बस वेंट्रल एओर्टा थोड़ा सा उसका पोर्शन दिख रहा है नीचे की तरफ आपको वेंट्रिकल ऑरिकल एंड साइनस विनोस ये सब नज़र आ रहा है सो साइनस विनोस के पास में आपको डक्टस क्यूबेरियस नज़र आ रहा है और ऊपर की तरफ में वेंट्रिकल का ऊपर वाला पार्ट है दैट इज़ द कोनस आर्टेरियोसस ओके और इसी कोनस आर्टेरियोसस के ऊपर वेंट्रलेवोटा कंटिन्यू करेगा सो so, इसके अलावा इसी रीजन में ईसोफेजियल वेन्स भी आ जाएंगे सो so, ये पूरा पार्ट हो गया आपका एंटीर एंटीरियर कार्डिनल सिस्टम अब आते हैं हम पोस्टीरियर में तो पोस्टीरियर को ही हम क्या बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम ओके सॉरी पोस्टीरियर वाला पार्ट जो है पोस्टीरियर कार्डिनल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम रीनल पोर्टल सिस्टम हम पोस्टीरियर को बोल रहे हैं तो यहाँ पे आपको किडनी नज़र आ रही है और किडनी के साथ में आपको ढेर सारे ईफ्रेंट रीनल वेन्स नज़र आ रहे हैं है ना और साइड में लेटरल एब्डोमिनल वेन्स हैं उसी तरह से अब हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में आप आ जाइए दूसरी साइड में जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है उसमें लिवर आपको दिख रहा है इंटेस्टाइन भी दिख रहा है ठीक है तो हिपैटिक साइनसिस प्रेजेंट हैं लिवर के पास में एंड हिपेटिक पोर्टल वेंस जो है ये पूरा कंटिन्यू कर रहा है इंटेस्टाइन तक सो दिज आर दिपैटिक पोर्टल सिस्टम सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नस सिस्टम सो इस तरह से आप देख सकते हो कि आ, आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ स्कोलियोडॉन है वो दो अलग अलग सिस्टम से मिलकर बना हुआ है दैट इज़ एट्रियल सिस्टम एंड वीनस सिस्टम सो दिस इज ऑल अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम Thank you so much.